मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोग को हमारा समाज क्लास थ्री का पार्ट तीन पढ़ाऊंगी। भारत का धरातल और जलवायु। आइए बच्चों, हम लोग किताब से इस बात को पढ़ें। भारत का धरातल और जलवायु। भारत एक बड़े आकार वाला देश है। यहाँ अनेक प्रकार का धरातल पाया जाता है। इसमें कहीं पर्वत, पठार, रेगिस्तान तो कहीं मैदान स्थित है। ये भारत का नक्शा है। ये हिमालय पर्वत है और यहीं पर माउंट एवरेस्ट चोटी है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट शिखर संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। ये शिखर है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर ठंड के कारण बर्फ से ढके रहते हैं। ये बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के नीचे का भाग समतल मैदानी क्षेत्र है। ये मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का बड़ा मैदान इसे उत्तर का बड़ा मैदान कहते हैं। ये उत्तर का बड़ा मैदान है। इस समतल मैदानी भाग का निर्माण गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों ने उपजाऊ काप मिट्टी बिछाकर किया है। ये है गंगा यमुना। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी है। यहाँ कृषि कहने का मतलब है धान गेहूँ बहुत अच्छे से होता है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी है। यह भाग कठोर और पथरीला है। यह भाग कृषि की दृष्टि से बेकार है। ये दक्षिणी भाग है और कृषि के दृष्टि से ये उपजाऊ नहीं है, बेकार भूमि है। भारत के तीनों ओर समुद्र है। दक्षिणी पठारी भाग और समुद्र के बीच के भाग पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाते हैं। यहाँ चावल और नारियल उगाया जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में भारत के यह बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये आपका द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो पानी के बीचों बीच में जो छोटा छोटा टुकड़ा है वही है। बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप आपका ये है बच्चों, जो पानी के बीचों बीच में छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप है। चारों ओर जल से घिरा भूमि का छोटा भाग द्वीप कहलाता है। इसको द्वीप कहते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है। यह मरुस्थल यहाँ कम वर्षा होने के कारण रेत पाया जाता है। रेत मतलब बालू, यहाँ बालू होता है। इस भाग में दूर दूर तक रेत पाया जाता है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल में पेड़ पौधे कम उगते हैं। भारत विविध जलवायु का देश है। भारत का उत्तरी पहाड़ी भाग साल भर ठंडा रहता है। ये भाग साल भर ठंडा रहता है। यहाँ सर्दी और गर्मी की ऋतुएं रहती हैं। यहाँ गर्मियों में वर्षा होती है। भारत के तटीय मैदानी भाग सागर के जल के समकारी प्रभाव में रहते हैं। इस क्षेत्र में हल्की सर्दी और गर्मी पड़ती है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िए।
और देखिए अभ्यास प्रश्न भी आप इस किताब को पढ़कर कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है भारत कैसा देश है, तो कैसा पर अंडरलाइन लगाएंगे और इसको उत्तर में नहीं लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे उत्तर में भारत एक बड़े आकार वाला देश है। आपका उत्तर यहीं तैयार हो गया। प्रश्न नंबर दो, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, कौन सा पर अंडरलाइन करके और यहाँ पर लिखेंगे हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। प्रश्न नंबर तीन, उत्तर के मैदान की दो नदियों के नाम लिखिए। उत्तर के मैदान के दो नदियों के नाम लिखना है तो गंगा और यमुना लिखिए, कोई जगह पर लिखेंगे गंगा यमुना, आपका यही उत्तर मिल जाएगा। उत्तर के मैदानी दो नदियों के नाम गंगा यमुना। प्रश्न नंबर चार, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। इस पर अंडरलाइन करेंगे और इसका उत्तर यहीं तैयार होगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर पाँच, भारत के पश्चिम में स्थित मरुस्थल का नाम लिखिए। तो यहाँ अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे थार का मरुस्थल, आपका उत्तर यही हो जाएगा। भारत के पश्चिम में स्थित मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। नंबर एक, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, तीर लगा देना है। नंबर दो, उत्तर का बड़ा मैदान काप मिट्टी। प्रश्न नंबर तीन, दक्षिण का पठार कठोर पथरीला धरातल। प्रश्न नंबर चार, तटीय मैदान चावल और नारियल। पांचवा, उत्तरी पहाड़ी भाग साल भर ठंडा। छठवा, उत्तर का मैदानी भाग सर्दी और गर्मी की ऋतु में, तो ये तीर लगाना है और उसका उत्तर यहाँ पर इसका जोड़े जोड़े के साथ लिखा हुआ है, देख लें। एवरेस्ट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, उत्तर का बड़ा मैदान काप मिट्टी, दक्षिण का पठार कठोर पथरीला, तटीय मैदान चावल और नारियल, उत्तरी पहाड़ी भाग साल भर ठंड, छठवां उत्तर का मैदानी भाग सर्दी और गर्मी की ऋतुएं। प्रश्न नंबर तीन, निम्न वाक्यों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। खाली स्थान भरना है बच्चों। नंबर एक, यह संसार का सबसे ऊंचा भरेंगे पर्वत है। नंबर दो, इसे उत्तर का बड़ा मैदान भरेंगे कहते हैं। नंबर तीन, भारत के तीन भरेंगे और समुद्र है। चार, अरब सागर में लक्षद्वीप भरेंगे द्वीप समूह द्वीप स्थित है। पांचवा, भारत विविध भरेंगे जलवायु का देश है। तो प्यारे बच्चों इस अभ्यास प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखिए, याद करिए। थैंक यू।